मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे विल टॉक अबाउट चैप्टर नंबर 7, द किलिंग। किलिंग नाम से जो चैप्टर है, ये अर्नेस्ट हेमिंग्वे नाम के ऑथर के किताब है, द ओल्ड मैन एंड द सी। इस किताब पर बेस्ड है। इस किताब के कुछ पोर्शन को द किलिंग नाम से अपने चैप्टर दिया है। तो स्टार्टिंग में मैं बता दूं कि ये कहानी जो है वो इस बेस्ड पर है। ऑथर के बारे में आइए देखते हैं। दिस इज़ द ऑथर, अर्नेस्ट हेमिंग्वे। ये एक अमेरिकन ऑथर हैं और ये बहुत वेल नोन ऑथर थे। इनको पुलित्ज़र अवार्ड और नोबेल प्राइज़ भी मिला हुआ है लिटरेचर के लिए। ये बहुत अच्छे ट्रैवलर थे। इन्होंने आर्मी में भी काम करा हुआ है और इनकी कई आइसबर्ग थ्योरी नाम से एक इकोनॉमिक्स में थ्योरी भी है। इनकी लास्ट किताब थी द ओल्ड मैन एंड द सी। इस कहानी के बारे में बता दूं कि एक बूढ़ा सा सेलर था जो क्यूबा के एक द्वीप पर रहता था और बहुत टाइम से इसने कोई बड़ा शिकार नहीं किया था। और इसका एक नया असिस्टेंट मिलता है इसको। कोई भी इसके साथ, चूंकि इसने बहुत दिनों से शिकार नहीं करा था, तो कोई भी इसको इम्पोर्टेंस अब नहीं देता था। तो इसको एक नया असिस्टेंट मिलता है जो इसको मोटिवेट करता है। सब जने कहते हैं कि क्यों इसके ट्रेनिंग बन रहे हो, ये तो बूढ़ा हो गया है, ये कुछ भी नहीं कर सकता। तो इसके असिस्टेंट के मोटिवेशन से फिर ये जोश खा कर कहता है कि ठीक है, मैं जाके शिकार करता हूँ। ये अपनी छोटी सी नाव लेके बहुत गहरे समुद्र में चला जाता है। बहुत गहरे समुद्र में इसलिए जाता है क्योंकि ये सबको प्रूव करना चाहता था कि आज भी ये बहुत बड़ा शिकारी है। तो इसने सोचा कि मैं एक बड़ी मछली पकड़ के लाऊंगा। फिशिंग लाइन इसने डाली। फिशिंग लाइन वो होती है, मछली का कांटा लगा होता है जिसके एंड पर कुछ कीड़े या उसका खाना लगाते हैं ताकि मछली वो कीड़े को या खाने को खाए और कांटा उसके मुँह में फंस जाए। छोटी मछलियों के मुँह में जब कांटा फंसता है तो आप खींच के निकाल सकते हो, पर ये चूँकि गहरे समुद्र में था और इसका कांटा एक बड़ी, जैसा कि आप फोटोग्राफ में देख सकते हैं, बड़ी एक मछली ने पकड़ लिया। अब उस कांटे से वो फंस के रह गई, मरी नहीं। तो ये कोशिश करता रहा कि ना ये खींच ले मछली को अपनी तरफ और मछली को किसी तरह से पलट कर, क्योंकि तो पेट का हिस्सा नरम होता है, पेट के हिस्से पर भाले से वार करके उसे मार डाले। तो पूरी जो स्टोरी है अपने चैप्टर में वो इसी स्ट्रगल में है कि मछली उसके खींच के दूसरी तरफ ले जाना चाहती है और ये खींच के अपनी तरफ लाना चाहता है। आगे जब स्टोरी में, चैप्टर में अपने बस इतना ही है कि ये मछली को मार देता है। एक्चुअल जो बुक में स्टोरी है वो ये है कि मछली को मार देने के बाद भी वो मछली इतनी बड़ी होती है कि इसकी छोटी नाव पर आ नहीं सकती है। तो ये बड़ी मुश्किल से उसको पानी में ही छोड़े रखता है और उसको सेल करके किनारे तक लाता है। चूँकि मछली बड़ी है तो जब उसके मारने के बाद उसका खून जो समुद्र में फैलता है तो उसी खून की खुशबू से शार्क्स आ जाती हैं। तीन बड़ी शार्क्स अब इसके नाव के चारों तरफ घूम रही होती हैं क्योंकि ये मछली को खाना चाहती हैं, पर ये उन शार्क्स को नहीं भगा पाता और धीरे धीरे करके मछली या शार्क्स जो हैं इस मछली के सारा मांस खा जाती हैं। तो जब तक ये गहरे समुद्र से वापस किनारे तक पहुँचता है तो इसके साथ सिर्फ बड़ी मछली का कंकाल होता है। इसको कंकाल को बेच के पैसे तो नहीं कमा सकता था, लेकिन सबके दिमाग में ये इस्टेब्लिश हो जाता है, साबित हो जाता है कि आज भी ये इतना बड़ी मछली शिकार कर सकता है। तो इसका पॉइंट तो प्रूव हो जाता है पर ये पैसे नहीं कमा पाता इससे। आइए देखते हैं मछली और नाविक के बीच में स्ट्रगल मारने की। क्योंकि मछली बड़ी है तो वो नाविक को खींच के नाव पलट भी सकती थी और ये भी कोशिश करता है कि मछली को मारे, तो उनकी स्ट्रगल का है ये चैप्टर। आइए पढ़ते हैं। He kneeled against the bow and for a moment slipped the line over his back again. I will rest now while he goes out on the circle and then stand up and work on him. When he comes in, he decided. अब इसने क्या करा है कि चप्पू तो रख लिए हैं ऊपर और अब ये कह रहा है कि मैं मछली पकड़ने की जो डोरी है वो वापस से फेंकता हूँ और थोड़ी देर आराम करता हूँ जब तक इसमें कोई पकड़ में ना आए। It was a great temptation to rest in the bow and let the fish make a circle by himself without recovering any line. But when the strain showed, the fish had turned to come over the boat. अब हुआ क्या कि वो कांटा बड़ी मछली ने निगल लिया है, तो बड़ी मछली अब फंस गई है।
चूंकि डोरी इसकी नाव पर है, तो अब वो जितनी लंबी डोरी है उतना लंबे ही दूर नाव से भाग सकती है। तो अब वो क्या कर रही है, नाव के चारों तरफ गोल गोल चक्कर काट रही है कि कैसे वो छूट सके। और ये सोच रहा है कि मैं रेस्ट कर लूँ, थक गया हूँ इतनी दूर तक सेल कर कर आया हूँ। पर इसको रेस्ट करने का मन तो है, लेकिन ये रेस्ट कर नहीं सकता क्योंकि वो लगातार डोरी को खींच रही है मछली अपनी तरफ। द ओल्ड मैन रोज टू हिज फीट एंड स्टार्टेड द पावटिंग एंड द वीविंग एंड पुलिंग दैट ब्रॉट इन ऑल द लाइन ही गेंड। जितनी भी रस्सी उसके पास बची है उससे वो अब अपनी तरफ खींचता है मछली को, जितनी कोशिश हो सके वो खींचता है। आई एम टायर्डर देन आई हैव एवर बीन ही थॉट, एंड नाउ द ट्रेड विंग इज राइजिंग, बट दैट विल बी गुड टू टेक हिम इन विद, आई नीड दैट बैडली। अब ये अपने आप से कहता है, चूँकि ये सब गहरे समुद्र में अकेला है तो सिर्फ अपनी बातों से ही खुद को मोटिवेट कर सकता है। ये अपने आप से कह रहा है कि मैं बहुत थक गया हूँ, टाइडर ट्राइडर मतलब मैं इतना आज तक नहीं थका, इतना थक चुका हूँ, लेकिन अब मैं कुछ और कर नहीं सकता, हम मछली आधी फंस चुकी है, मुझे खींच के उसको लाना है। अचानक क्या होता है, ट्रेड विंड है, गहरे समुद्र इक्वेटर पे तेज़ हवाएं चलती हैं, तो तेज़ हवा चलनी शुरू हो गई क्योंकि इक्वेटर के पास है। तो ये कहता है कि अच्छा ठीक है, तेज़ हवा आ गई तो इससे मुझे ही फ़ायदा होगा, क्योंकि वो बोट का जो पाल है, जो बड़े से पाल होता है बोट के ऊपर, उसमें तेज़ हवा से वो समुद्र से वापस अपने टापू पर आ सकता है। आई विल रेस्ट ऑन द नेक्स्ट टर्न एज ही गोज आउट ही सेड, आई फील मच बेटर देन इन टू और थ्री टर्न्स मोर आई विल हैव हिम। वो अपने आप से कहता है कि अभी रेस्ट नहीं करता हूँ, बाद में करूँगा थोड़ी देर बाद, क्योंकि 2 या 3 चक्कर और लगेंगे और ये मछली बिल्कुल मेरे पास आ जाएगी और मैं इसको मार दूंगा। हिज स्ट्रॉ हैट वॉज फार ऑन द बैक ऑफ हिज हेड एंड ही सैंक डाउन इन टू द बो विद द पुल ऑफ द लाइन एज ही फेल्ट द फिश टर्न। उसके सर पर जो तिनकों की बनी हुई जैसे बीच पे होती है हैट्स, वैसे पहना हुआ है, और एकदम से मछली ने जब टर्न किया तो रस्सी खींची और ये गिर पड़ा नदी बोट पे। यू वर्क नाउ फिश ही थॉट, आई विल टेक यू एट द टर्न। अब ये मन ही मन मछली से कह रहा है कि ठीक है मछली तुम भी कोशिश करो, जैसे ही तुम घूमोगी ना मैं तुम्हें मार दूंगा। द सी हैड राइजन कंसिडरेबली बट इट वॉज अ फेयर वेदर ब्रीज एंड ही हैड टू हैव इट टू गेट होम। अब वाटर लेवल बढ़ गया था क्योंकि तेज़ इक्वेटर पर जो हवाएं चल रही थी, पर मौसम अच्छा था और इसको तेज़ हवा मिल रही थी वापस टापू पर जाने के लिए। आई विल जस्ट स्टीयर साउथ एंड वेस्ट ही सेड, अ मैन इज़ नेवर लॉस्ट एट सी एंड इट इज़ अ लॉन्ग आइलैंड। अब क्यूबा का अगर आप सर्च करें गूगल पे मैप तो वो एक बहुत लंबा आइलैंड है, तो ये गहरे समुद्र में है, इसको कोई ज़मीन दिख नहीं रही है। इसको पता है कि क्यूबा उसके साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है, तो इसने सन की पोजीशन देख के सोचा कि मेरे को सिर्फ साउथ वेस्ट डायरेक्शन में जाना है। कोई भी आदमी इतने लंबे आइलैंड के पास खो नहीं सकता, चाहे वो कितनी भी दूर क्यों ना निकल गया, अगर साउथ वेस्ट डायरेक्शन में जाएगा तो उसे आइलैंड का कोई ना कोई कोना दिखाई दे ही जाएगा। इट वॉज ऑन द थर्ड टर्न दैट ही सॉ द फिश फर्स्ट। अब जब वो तीसरा चक्कर काटा मछली ने, तब इसको पानी के अंदर मछली की छाया दिखाई दी, पहली बार इसने देखा कि कितनी बड़ी मछली इसने पकड़ी है। ही सॉ हिम फर्स्ट एज अ डार्क शेडो दैट टुक सो लॉन्ग टू पास अंडर द बोट दैट ही कुड नॉट बिलीव इट्स लेंथ। जब मछली इसकी नाव के नीचे से गुजरी तो इतनी देर लगी, तो इसको हैरानी हो गई कि इतनी लंबी मछली मैंने पकड़ी है। नो ही सेड ही कांट बी दैट बिग, अपने आप से ये हैरान होकर बोलता है कि नहीं नहीं इतनी बड़ी नहीं हो सकती, पर सचमुच उसने इतनी बड़ी ही मछली पकड़ी थी। बट ही वॉज दैट बिग एट द एंड ऑफ दिस सर्कल ही केम टू द सर्फेस ओनली 30 yards अवे एंड द मैन सॉ हिज टेल आउट ऑफ द वाटर। वो इतनी बड़ी मछली थी, जब उसने पूरा एक चक्कर काटा नाव के चारों तरफ, करीबन वो 30 yard दूर होगी बोट से, तब इसको दिखा उसकी पूंछ पानी के बाहर निकली हुई, और ये पूंछ को देख के भी अंदाज़ा हुआ कि कितनी बड़ी मछली है ये। इट वॉज हायर देन द बिग साइथ प्लेट एंड अ वेरी पेल लेवेंडर अबव द डार्क ब्लू वाटर। ये कह रहा है कि जो फरसा होता है ना, साइथ है फरसा, फरसा जितना बड़ा होता है उतने उससे भी बड़ी थी उसकी पूंछ, और उसका कलर जो था मछली का वो हल्का लेवेंडर पर्पल कलर का था, और नीले गहरे समुद्र के पानी में वो पर्पल कलर की दिख रही थी। इट रैक्ड बैक एंड एज द
फिश स्वैम जस्ट बिलो द सर्फेस, द ओल्ड मैन कुड सी द ह्यूज बल्क एंड द पर्पल स्ट्राइप्स दैट बैंडेड हिम. जैसे ही रैक्ट मतलब टेढ़ा होना, जैसे ही मछली टेढ़ी हुई और तैर के दूसरे सरफेस पर आई, तब इसने देखा कि उसकी पीठ पे कितना बड़ा फिन था. फिन होता है, पीठ पे भी फिन होता है, अलग टाइप के फिन्स होते हैं, आपने साइंस में पढ़ रखे होंगे. और पूरी मछली पे पर्पल कलर की स्ट्राइप्स थी, मतलब धारियाँ थी. हिज डॉर्सल फिन वॉज डाउन एंड हिज ह्यूज पेक्टोरल वॉज स्प्रेड वाइड. डॉर्सल फिन है उसका पीछे का फिन जो देखा था उसने, और उसके पेक्टोरल फिन्स थे वो बहुत बड़े थे. मतलब ये पूरा मछली को डिस्क्राइब कर रहा है कि वो कितनी बड़ी मछली थी. ऑन दिस सर्कल द ओल्ड मैन कुड सी द फिशेस आई एंड द टू ग्रे सकिंग फिश दैट स्वैम अराउंड हिम. जब चौथा तीसरा सर्कल वो ले रही थी, तब उस मछली की आँख भी दिखी फिशरमैन को, और उसको दिखी दो सकिंग फिश भी उसके साथ घूम रही थी. कभी कभी मछलियों के साथ, बड़ी मछलियों के साथ छोटी मछलियाँ भी घूमती हैं जो उनके स्किन पे लगी हुई काई या कीड़े खा जाती हैं, और या इनका जो बड़ा शिकार होता है उसके टुकड़े भी ये लोग खा लेती हैं. तो बड़ी फिश भी के भी इनको साथ में रखती है, कोई दिक्कत नहीं, वो इनका शिकार नहीं करती क्योंकि वो उसकी सफाई कर रही होती हैं. समटाइम्स दे वुड स्विम ईजिली इन हिज शेडो, दे वर ईच ओवर 3 फिट लॉन्ग एंड वेन दे स्वैम फास्ट दे लैश देयर होल बॉडीज लाइक ईल. जो उसके पास सकिंग फिश थी वो इतनी बड़ी थी, 3-3 फिट की बड़ी सकिंग फिश थी. तो सोचिए बड़ी मछली कितनी बड़ी होगी. और वो उसकी परछाई में बह रही थी, और जब वो तेज़ चलती थी तो ऐसा लगता था जैसे ईल चल रही हो. ईल के आपको पलों को पता है, जब वो थ्रेटन होती है तो करंट पास करती है. ईल मछली जैसी लगती थी तेज़ चलने पर, लेकिन वो थी सकिंग फिशेस. द ओल्ड मैन वॉज स्वेटिंग नाउ but from something else beside the sun. On each calm placid turn the fish made he was gaining line. He was sure that in 2 turns he would have chance to get the harpoon in. अब इसकी हाइट देख के बूढ़े फिशरमैन को पसीने आ गए. सूरज की रोशनी से पसीने नहीं आए, उसको हैरानी थी कि इतनी बड़ी फिश अब आ गई है, फंस गई है, अब इसको मारना पड़ेगा. वो उसको स्ट्रेस हो रहा था और देख के पसीने छूट गए उसके. अब मछली बहुत फड़फड़ा नहीं रही, बहुत तड़प नहीं रही, वो आराम से धीरे धीरे मूव कर रही है और इससे धीरे से छूटना चाहती है. बहुत हबड़ दबड़ नहीं कर रही है मछली. और 2 टर्न में ही इस फिशरमैन को यकीन है कि वह उसके बिल्कुल पास आ जाएगी. रस्सी इसके पास बढ़ती चली जा रही थी, और जैसे ही वो इसके पास आ जाएगी ये उसको टर्न करने की कोशिश करेगा. हार्पून एक वो हथियार है जिसके एक एंड पे भाला होता है और दूसरे एंड पे रस्सी बंधी हुई होती है जिसका सिरा ना बोट पे बंधा हुआ है. तो चूंकि सिर्फ छोटे से कांटे से मछली फंस तो गई थी, मरी नहीं थी, उसको मारने के लिए इसको उसके दिल में भाला घोंपना ज़रूरी था. बट आई मस्ट गेट हिम क्लोज 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 ही थॉट, आई मस्ट नॉट ट्राई फॉर द हेड, आई मस्ट गेट द हार्ट. अब ये फिशरमैन अपने आप से कह रहा है कि मुझे उसको बिल्कुल पास लाना है, बिल्कुल पास, और मुझे कोशिश करनी है कि मैं उसके हार्ट में मारूं, क्योंकि पेट का हिस्सा सॉफ्ट होता है. अगर सर पे मारेगा तो ऊपर वाला हिस्सा जो होता है मछली का वो हार्ड होता है. तो सर पे मारेगा तो उसका हार्पून की चोट तो लगेगी लेकिन मछली मरेगी नहीं. मरेगी तब जब वो उसको पलट के उसके पेट की तरफ सही जगह पर भाला घोंपे. बी काम एंड स्ट्रॉन्ग ओल्ड मैन ही सेड. अब खुद को वो तसल्ली दे रहा है कि घबराओ मत, शांत हो जाओ और अपनी ताकत पे विश्वास रखो, तुम इसको मार सकते हो. ऑन द नेक्स्ट सर्कल द फिश बैक वॉज आउट बट ही वॉज लिटिल टू फार फ्रॉम द बोट. अगला जब चक्कर लिया मछली ने बोट का तो थोड़ी सी उसकी पीठ पानी के ऊपर आई, लेकिन वो बोट से थोड़ा दूर थी. ऑन द नेक्स्ट सर्कल ही वॉज स्टिल टू फार अवे बट ही वॉज हायर आउट ऑफ द वॉटर एंड द ओल्ड मैन वॉज श्योर दैट बाई गेनिंग सम मोर लाइन ही कुड हैव हिम अलॉन्ग साइड. पाँचवें चक्कर में भी वो पानी से थोड़ा ऊपर आई, लेकिन अभी भी बोट से वो दूर है. तो अब फिशरमैन को यकीन हो गया कि कुछ ही चक्कर में वो उसके बिल्कुल पास आके उसे खींच पाएगा. ही हैड रिग्ड हिज हार्पून लॉन्ग बिफोर एंड इट्स कॉइल्ड द लाइट रोप was in the round basket and the end was made fast to the bit in the bow. अब इसने क्या करा, बिल्कुल तैयारी कर ली. हारपून के जो रस्सी थी उसको सुलझा लिया और अपने बास्केट के पास रख लिया. ये रेडी था बिल्कुल अब शिकार करने के लिए. द फिश वॉज कमिंग इन ऑन हिज सर्कल नाउ काम एंड ब्यूटिफुल लुकिंग एंड ओनली हिज ग्रेट टेल मूविंग. अब फिश अगले सर्कल में इसके और पास आई, बिल्कुल शांत थी और बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, सिर्फ उसकी पूँछ हिल रही थी.
क्योंकि बड़ी मछली को ज़्यादा मूव करने की ज़रूरत नहीं होती, हल्के से इशारे से ही उसके तैर पाती थी वो। द ओल्ड मैन पुल्ड ऑन हिम ऑल दैट ही कुड टू ब्रिंग हिम क्लोजर। फॉर जस्ट अ मोमेंट द फिश टर्न्ड अ लिटल ऑन हिज साइड, देन ही स्ट्रेटन हिमसेल्फ एंड बिगैन अनदर सर्कल। जैसे ही पास वो आई तो इस बूढ़े फिशरमैन ने खींची रस्सी अपने दोनों हाथों से, पूरा दम लगाया। वो थोड़ी सी टर्न भी हुई थी इसकी तरफ, लेकिन फट से फिर वापस वो सीधी हो गई और दूसरे चक्कर में तैरती हुई चली गई। आई मूव्ड हिम, द ओल्ड मैन सेड, आई मूव्ड हिम देन। अब ओल्ड मैन इस बात से हैरान था, खुश था और कि मैंने इसको टर्न करा, देखो मैंने इसको हिलाया। ही फेल्ट फेंट अगेन नाउ बट ही हेल्ड ऑन द ग्रेट फिश ऑल द स्ट्रेन दैट ही कुड। आई मूव्ड हिम, आई ही थॉट मे बी दिस टाइम आई कैन गेट हिम ओवर। पुल हैंड्स ही थॉट, होल्ड अप लेग्स, लास्ट फॉर मी हेड, लास्ट फॉर मी, यू नेवर वेंट, दिस टाइम आई विल पुल्ड हिम ओवर। अब नाविक ऑलरेडी थका हुआ था, अभी फिर उसको और थकान महसूस हुई क्योंकि मछली को खींचने के लिए पूरी ताकत चाहिए। और उसने अपने आप से कहा कि देखो मैंने उसको पलट दिया था, देखो मैंने उसको पलट दिया था, बस एक बार और मुझे उसको खींचना है। अपने हाथों से कह रहा है कि थोड़ा सा और दम लगा, अपने पाँव से कह रहा है थोड़ा सा और बर्दाश्त करो, और वो कह रहा है कि अभी बस पकड़ने में ही आ रहा है, उसका सर नहीं पकड़ना मुझे, उसको पलट कर उसका पेट पे वार करना है। बट वेन ही पुल्स पुट ऑल ऑफ हिज एफर्ट स्टार्टिंग इट वेंट आउट बिफोर द फिश केम अलॉन्ग साइड एंड पुलिंग विथ ऑल हिज स्ट्रेंथ द फिश पुल्ड अपार्ट वे ओवर एंड देन राइटेड हिमसेल्फ एंड स्वाम अवे। इसने अपनी पूरी ताकत लगा के मछली को अपनी तरफ खींचा, मछली इसके पास आई भी, लेकिन फिर वो पलट के उल्टी हो गई और फिर एक चक्कर काटने के लिए तैरने लग गई। फिश, द ओल्ड मैन सेड, फिश यू आर गोइंग टू हैव टू डाई एनी वे, डू यू हैव टू किल मी टू। अब मन ही मन ये मछली से कह रहा है कि मछली तुम्हें तो मरना है ही, तुम कांटे में फंसी चुकी हो और नाव के इतने पास आ चुकी हो, तो मरोगी तो तुम हो ही, तो क्या तुम इस स्ट्रगल में मुझे भी मार डालोगी? क्योंकि मछली इतनी बड़ी है और बार बार वो पलट के इसकी ताकत के अगेंस्ट जाके वापस से चक्कर काटने लग जाती है, तो इसको पता है कि अगर मछली ने और ज़्यादा दम लगाया तो ये भी पलट सकती है, इसकी नाव ये भी डूब सकता है या वो इसको मार भी सकती है। दैट वॉज नथिंग, दैट वे नथिंग इज अकम्प्लिश्ड, ही थॉट। हिज माउथ वॉज टू ड्राई टू स्पीक बट ही कुड नॉट रीच फॉर द वॉटर नाउ। आई मस्ट गेट हिम अलॉन्ग साइड दिस टाइम, ही थॉट। आई एम नॉट गुड फॉर एन मैनी मोर टर्न्स। यस यू आर, ही टोल्ड हिमसेल्फ, यू आर गुड फॉर एवर। अब उसने मन ही मन अपने आप से बातें कर रहा है, वो कह रहा है इस तरह से तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। उसका मुंह अब सूखने लग गया था, थकान भी थी, गर्मी भी थी और वो इस मछली को पकड़ने के लिए एक्साइटेड भी बहुत था, लेकिन वो इसके दोनों हाथों में रस्सी थी और वो खींच रहा था, उसके पास इतना टाइम भी नहीं था कि वो रुक के पानी की बॉटल उठा पाए। और इसने सोचा कि अब मैं और दम लगा के इस मछली को अपनी तरफ खींच सकता हूँ। अब ये खुद को मोटिवेट करता है, कहता है कि तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत अच्छे शिकारी हो, तुम बहुत अच्छे नाविक हो, ये खुद को याद दिलाता है और जोश दिलाता है। ऑन द नेक्स्ट टर्न ही नियरली हैड हिम बट अगेन द फिश राइटेड हिमसेल्फ एंड स्वाम स्लोली अवे। अगला टर्न आया, इसने फिर कोशिश करी, खींचा अपनी तरफ, मछली इसके पकड़ में आने ही वाली थी और फिर छटक के वो सीधी हो गई और फिर उसने एक चक्कर काटा। यू आर किलिंग मी फिश, द ओल्ड मैन थॉट, बट यू हैव अ राइट टू। अब बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो चुका था ये नाविक और उसने कहा कि अरे तुम यू आर किलिंग मी, मतलब मुझे तुम बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हो। लेकिन वो मन ही मन सोचता है कि भाई मछली को भी तो हक है अपनी ज़िंदगी बचाने का, तो वो जो वो कर रही है वो सही कर रही है, अपनी ज़िंदगी तो बचाने का ही हर जीव। नेवर हैव आई सीन अ ग्रेटर और मोर ब्यूटिफुल और अ कामर और मोर नोबल थिंग देन यू ब्रदर। कम ऑन किल मी, आई डू नॉट केयर हु किल्स हु। नाउ यू आर गेटिंग कन्फ्यूज इन द हेड, ही थॉट। You must keep your head clear, keep your head clear, and now, and know how to suffer like a man or a fish, he thought. अब जब ये देखता है कि बार बार मछली अपनी जान बचाने के लिए कोशिश कर रही है, तो इसके मन में एक तरह के लिए मछली के लिए इज्जत आ जाती है। और ये मछली की तारीफ करता है कि मैंने तुम्हारे जितनी महान, तुम्हारी जितनी खूबसूरत और तुम्हारी जितनी शांत और भली मछली मैंने आज तक नहीं देखी। यहाँ ये मछली को अपने भाई बोल रहा है, ब्रदर बोल रहा है। क्यों बोल रहा है? क्योंकि वो भी अपनी ज़िंदगी के लिए स्ट्रगल कर रही है और ये भी स्ट्रगल कर रहा है इसको मारने के लिए। दोनों के बीच में जो टसल है उसमें ये दोनों एक दूसरे के बराबर के योद्धा हैं, तो ये अपने आप को उसके साथ रिलेट कर पा रहा है और इसको अपना भाई बोलता है मछली को।
कहता है अब ये डिसअपॉइंट हो गया, कहता है मछली अब तुम ही मुझे मार दो, क्योंकि मैं तो तुम्हें मार नहीं पा रहा, अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो चाहे तुम मुझे मारो चाहे मैं तुम्हें मारूं, क्योंकि ये अपनी ज़िंदगी पूरी जी चुका था, इसके लाइफ में कोई और एम्बिशन थी नहीं, तो इसलिए अब ये मरने को तैयार था। फिर अचानक ये होश में आता है और अपने आप को कहता है कि अरे क्यों तुम इतना डिप्रेस हो रहे हो, खुद को मोटिवेट करता है, कन्फ्यूजन की क्या बात है, तुम्हें क्यों मरना है, मछली को मरना है, अपने दिमाग साफ़ करो, अपना दिमाग साफ़ करो। क्यों ये कह रहा है, क्योंकि कुछ भी काम करेंगे और अगर अपन कन्फ्यूज रहो कि चाहे तू मुझे मार ले चाहे मैं तुझे मार लूँ, तो क्या वो पूरी ताकत से मार पाएगा उसको, नहीं। तो इसलिए ये अपने आप से मोटिवेट होकर कह रहा है कि तुम अपना दिमाग साफ़ करो, दिमाग साफ़ करो, अगर मरना ही है तो एक इंसान की तरह, योद्धा की तरह मरो, मतलब पूरी ताकत लगाओ, या जैसे ये मछली कोशिश कर रही है अपनी जान बचाने के लिए कम से कम उतना दम लगाओ। क्लियर अप हैड ही सेड इन अ वॉइस ही कुड हार्डली हियर, क्लियर अप ट्वाइस मोर इट वॉज द सेम ऑन द टर्न्स। अब अपने आप से ये कहता है, जोर से कहता है, अपना दिमाग खाली करो, दिमाग खाली करो, मतलब अभी फोकस किस पे करना है, सिर्फ मछली के शिकार पर। दो ऐसे और टर्न होते हैं, सिर्फ ऐसे ही दोबारा होता है, वो अपनी तरफ खींचता है मछली, फिर पलट के भाग जाती है। आई डू नॉट नो द ओल्ड मैन थॉट ही हैड बीन ऑन द पॉइंट ऑफ फीलिंग हिमसेल्फ गो ईच टाइम, आई डू नॉट नो बट आई विल ट्राई इट वंस मोर। अब आदमी बहुत परेशान हो चुका है और अपने आप से हार भी मान चुका है, कई बार वो कोशिश करता है कि ठीक है गिव अप कर दूं, फिर वो अपने आप को मोटिवेट करता है कि नहीं एक कोशिश और करो, एक कोशिश और करो, इसी तरह से ही अपने आप को बार बार इनक्रेज करता जा रहा है। ही ट्राइड इट वंस मोर एंड फेल्ट हिमसेल्फ गोइंग विद व्हेन ही टर्न द फिश राइटेड हिमसेल्फ एंड स्वॉम ऑफ अगेन स्लोली विद द ग्रेट टेल वीविंग इन द एयर। अगेन वापस वही होता है, ये फिश को टर्न करने की कोशिश करती है, फिश छटक के वापस हो जाती है और तेज़ी से दूसरी तरफ घूम जाती है। अब इसकी टेल हवा में आ रही है, मतलब रस्सी और छोटी होती चली जा रही है, तैरने की जगह मछली के लिए कम है। आई विल ट्राई इट अगेन द ओल्ड मैन प्रोमिस्ड ऑल दो हिज हैंड्स वर मशी नाउ एंड ही कुड ओनली सी वेल इन फ्लैशेस। ही ट्राइड इट अगेन एंड इट दस वॉज द सेम, सो ही थॉट ही हैड फेल्ट सो ही फेल्ट हिमसेल्फ गोइंग बिफोर द स्टार्टेड आई विल ट्राई वंस अगेन। बूढ़ा आदमी बहुत ज़्यादा थक चुका है, रस्सी खींच खींच के उसके ग्लव्स भी कट गए हैं और उसके हाथ भी कट गए हैं, उसको अपने मांस दिखाई दे रहा है, हथेलियों का खून बह रहा है, लेकिन वो हार नहीं मानने को तैयार है। वो एक एक्सपीरियंस्ड फिशरमैन है और वो चाहता है कि वो इस मछली को मारे ही और अपने गाँव अपने तट पर ले जाकर सबको दिखाए कि वो आज भी बहुत बड़ा शिकारी है। He took all his pain and what was left of his strength and long gone pride he put it against the fish's agony and the fish came over onto his side and swam gently on his side, his bill almost touching the planking of the skiff and started to pass the boat, long, deep, wide, silver and barred with purple and interminable in the water. इसने अपना सारा दर्द भुलाया, पूरी ताकत से वापस से मछली को अपनी तरफ खींचा। मछली भी बहुत परेशान है, एग्नी माने पेन, मछली भी बहुत दर्द में है, उसके मुंह में कांटा फंसा हुआ है और उसको खींचा जा रहा है एक तरफ से। अब वो बिल्कुल बोट के पास आ गई, मतलब उसका जो मुंह है फिश का वो बोट पे टच हो पा रहा है और बोट के पास उसको दिखाई दे रही है फिशरमैन को लंबी खूबसूरत सिल्वर कलर की सी मछली जिसपे पर्पल स्ट्राइप्स हैं। The old man dropped the line and put his foot on it and lifted the harpoon as high as he could and drove it down with all his strength and more strength he had just summoned into the fish's side just behind the great chest fin that rose high in the air to the altitude of the man's chest. He felt the iron go in and he leaned on it and drove it further and then pushed all his weight after it. अब फाइनली उसने मछली को बिल्कुल कस के पकड़ लिया था, उसने उसको टेढ़ा किया, फिश जैसे ही टेढ़ी हुई उसने जो जिस डोरी से मछली को खींच रहा था फट से उसको अपने पाँव के नीचे दबाया और हारपून उठा लिया। हारपून मैंने बताया था अभी, हम फिश को मारने के लिए भाला और उस पूरे ताकत लगा के मछली के सीने में घोंप दिया और उसने पूरा उतना दम लगाया, वेट पूरा लगा दिया कि उसके वो गहराई तक उसको जा सके भाला। देन द फिश केम अलाइव विथ हिज डेप्थ in him and rose high out of the water showing all his great strength, great length and width and all his power and all his beauty. He seemed to hang in the air above the old man in the skiff. Then he fell into the water with a crash that sent spray over the old man and over all the skiff.
जैसे ही भाला उसके दिल में लगा, पूरी मछली पानी से उछली हवा में और कुछ सेकंड के लिए हवा में रही इसकी बोट के ऊपर, और फिर धड़ाम से लेके पानी में गिरी। इतनी तेज स्प्लैश हुआ कि पूरी बोट और पूरा ये फिशरमैन भीग गया। अब मछली मर चुकी है। द ओल्ड मैन फेल्ट फेंट एंड सिक एंड ही कुड नॉट सी वेल, बट ही क्लियर द हार्पून लाइन एंड लेट इट रन स्लोली थ्रू हिज रॉ हैंड्स। वेन ही कुड सी, ही सॉ द फिश ऑन इट्स बैक विद इट्स सिल्वर बेली अप। द शाफ्ट ऑफ द हार्पून वॉज प्रोजेक्टिंग एट एन एंगल फ्रॉम द फिशेज शोल्डर एंड द सी वॉज डिसकलरिंग विद द रेड ऑफ द ब्लड फ्रॉम हिज हार्ट। फर्स्ट इट वॉज डार्क एज अ शोल इन अ ब्लू वाटर एंड दैट वॉज मोर देन अ माइल डीप। Then it spread like a cloud. The fish was silvery and still and floated with the waves. अब जब मछली मर गई तो इसको एक सेकंड के लिए फिशरमैन को चक्कर आया, उसको लगा कि वो अभी गिर पड़ेगा, क्योंकि जब काम कंप्लीट हो जाता है ना तब एकदम ज़ोर से थकान आती है। लेकिन फिर वो उसने अपना को संभाला, उसने रस्सी खींची और अपनी लाइंस क्लियर करी। उसने देखा मछली मरी पड़ी है पानी में उल्टे। जब मछली मर जाती है तो पेट ऊपर हो जाता है उसका। जो हार्पून था उसका, वो एक उसके फिश के एक पर्टिकुलर एंगल में घुसा हुआ था उसके कंधे के पास, जिससे ढेर सारा खून निकल रहा था नीले रंग के समुद्र के पानी में। ऐसा लग रहा था कि एक माइल गहरा डीप पानी का, उसके खून का वो बन चुका है। और धीरे धीरे फिर खून पूरे पानी में बादल की तरह फैल गया। अब उल्टी पड़ी हुई मछली उन लहरों पर अपने आप ही बह रही है। द ओल्ड मैन लुक्ड केयरफुली इन द ग्लिम्स ऑफ विजन दैट ही हैड, देन ही टुक टू टर्न्स ऑफ द हार्पून लाइन अराउंड द बिट इन द बो एंड लेड हिज हैंड ऑन हिज हेड। अब इसने रस्सी समेटी जितनी लंबी हो गई थी हार्पून की रस्सी, वो भी लपेटी, और जो इसकी फिशिंग लाइन थी वो भी लपेटी, और अब अपने सर पर हाथ रख के बैठ गया। कीप माई हेड क्लियर ही सैड अगेंस्ट द वू ऑफ द बो। I am tired, old man, but I have killed this fish, which is my brother, and now I must do the slave work. अब ये फिर अपने आप से कह रहा है कि दिमाग खाली रखो, दिमाग खाली रखो, और अब मैं बूढ़ा और फिशरमैन तो हूँ, लेकिन मैंने इस मछली को मार दिया जो मेरे भाई समान थी। भाई समान क्यों थी? क्योंकि इसने भी अपनी ज़िंदगी के लिए स्ट्रगल किया था, जैसे कि फिशरमैन स्ट्रगल कर रहा था। और अब मुझे स्लेव वर्क करना है। स्लेव वर्क क्या है? गुलामों वाला काम क्या है? क्योंकि अब इस भारी मछली को लेकर और इस बोट को लेकर वापस किनारे तक जाना, ये मेहनत का काम अब मुझे करना है। सो दिस कंप्लीट आवर चैप्टर। लेट्स क्विकली सी द फिल अप द ब्लैंक्स। द सी वॉज डिसकलरिंग विद द रेड ऑफ द ब्लड फिश फ्रॉम द हार्ट। हार्पून कहाँ लगा था? मछली के हार्ट पर लगा था, जिससे कि लाल खून पूरे समुद्र में लाल रंग फैला रहा था। The fish was coming on his circle now, calm and beautiful looking, and only his dash moving. जब फिश उसके चारों तरफ चक्कर काट रही थी तो उसको बहुत खूबसूरत और शांत लग रही थी, और सिर्फ उसके टेल हिल रही थी। तो आंसर इज टेल। फिश केम टू द सर्फेस ओनली डैश यार्ड्स अवे। फिश कितनी दूर थी उसके जब रस्सी उसने खींची थी? 30 yards अवे। 30 इज द आंसर। फिशरमैन माउथ वॉज टू डैश टू स्पीक। फिशरमैन का मुंह सूख गया था। तो आंसर है ड्राई। फिफ्थ लाइन देखिए। द डैश मैन फेल्ट फेंट एंड सिक एंड ही कुड नॉट सी वेल। जो बूढ़ा आदमी था उसको चक्कर आ रहे थे, अब अपने आप को लग रहा था कि बीमार पड़ जाएगा। कौन सा आदमी था? द ओल्ड मैन। ट्रू फॉल्स देखिए। द फिश हैड रिजन कंसिडरेबली बट इट वॉज फेयर वेदर ब्रीज एंड ही हैड टू हैव इट टू गो होम। सी लेवल बढ़ चुका था और लेकिन मौसम अच्छा था और उसको यही तेज़ हवाएं चाहिए थी घर जाने के लिए। तो आंसर इज ट्रू। दिस एक्सपर्ट इज टेकन फ्रॉम द ओल्ड मैन एंड द ओशन। फॉल्स। जो किताब है उसका नाम है द ओल्ड मैन एंड द सी। तो स्टेटमेंट इज फॉल्स। इट टेक्स ओवर 2 days टू कैच द टू फिश टू द पुअर फिशरमैन। नहीं, फॉल्स इस चैप्टर में कहीं भी नहीं लिखा कि 2 दिन लगे थे उसको। द ओल्ड पुअर फिशरमैन वॉज अ डिटरमाइंड पर्सन। यस ट्रू। वो उसका पक्का इरादा था मछली को पकड़ने का। इट वॉज अ ग्रेट टेम्पटेशन टू रेस्ट इन द बो एंड लेट द फिश मेक 2 circles बाय हिमसेल्फ विदाउट रिकवरिंग एनी लाइन। क्या उसको ये लालच, टेम्पटेशन मतलब लालच था रेस्ट कर ले कि मछली अपने आप ही 2-3 चक्कर घूमती रहेगी, लाइन तो खींच नहीं पाएगी। यस, ये टेम्पटेशन था, पर क्या उसने रेस्ट किया था? नहीं किया था। तो फिफ्थ का आंसर है ट्रू। एट लास्ट फिशरमैन कुड नॉट कैच द फिश। फॉल्स। लास्ट में उसने मछली पकड़ ली थी। आइए इसके वर्ड मीनिंग्स देखिए।
टेम्पटेशन मतलब आपके मन में लालच है, द डिज़ायर टू डू समथिंग। लाइन यहाँ पे लाइन स्ट्रेट लाइन नहीं है, यहाँ पे फिशिंग लाइन की बात हो रही है। अ लाइन थिन रोप विथ अ फिश हुक एट वन एंड। कंसिडरेबली मतलब ग्रेटली, बाय अ नोटेबल लार्ज अमाउंट। स्टीयर स्टीयर मतलब गाइड या कंट्रोल मूवमेंट। प्लैसिड प्लैसिड मतलब शांत, काम, नॉट ईजिली अपसेट। अलॉन्ग साइड मतलब नेक्स्ट टू, उसके पास। क्लोज टू द साइड ऑफ। स्ट्रेन मतलब पूरी ताकत। फोर्स टू मेक ग्रेट एफर्ट। अकम्पलिश्ड अकम्पलिश्ड मतलब हासिल करना। हाईली ट्रेन्ड और स्किल्ड। सफ़र मतलब बर्दाश्त। टू टॉलरेट एक्सपीरियंस और बी सब्जेक्ट टू। एगनी मतलब पर दर्द, परेशानी, पेन, एक्सट्रीम फिजिकल और मेंटल सफरिंग। नाउ आई हैव गिवन यू 10 वर्ड मीनिंग्स एंड यू हैव टू मेक 10 सेंटेंसेज यूजिंग दीज वर्ड्स इन योर सेंटेंस। नाउ लेट्स लुक इन टू द क्वेश्चन आंसर। वाई डू थिंक द ओल्ड मैन टॉक टू हिमसेल्फ सो मच। आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो बूढ़ा आदमी अपने आप से ही बातें करता रहता है। थ्रू आउट द स्टोरी द ओल्ड मैन टॉक्स टू हिमसेल्फ विच इंडिकेट्स हाउ लोनली ही हैज़ बिकम। ही इज़ अलोन इन द डीप ओशन एंड हैज़ नो वन एल्स टू स्पीक विद। ही हेल्प्स हिमसेल्फ टू मोटिवेट एंड कम आउट ऑफ डिप्रेशन। चूँकि वो गहरे समुद्र में अकेला है तो वो अपने आप से ही बातें करता है। पूरी कहानी में वो सिर्फ अपने आप से ही बातें करता रहा और यह खुद को मोटिवेट करता है। कभी कभी वो थक जाता है, परेशान होता है, गिव अप करता है, फिर खुद से ही बात करके अपने आप को मोटिवेट करता है। क्वेश्चन नंबर टू। वाई डज द ओल्ड मैन से आई डू नॉट केयर हु किल्स हु। बूढ़े फिशरमैन ने ऐसा क्यों कहा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई कौन किसको मारे, चाहे मछली मुझे मार दे चाहे मैं मछली को मार दूँ। द ओल्ड मैन वॉज पुलिंग द लाइन टू ब्रिंग द फिश क्लोजर एंड द फिश वॉज ट्राइंग टू रन अवे इन अदर डायरेक्शन। एनी वन कुड हैव किल्ड द अदर, सो द फिशरमैन सेट दिस लाइन। फिशरमैन ने ये लाइन इसलिए कही क्योंकि फिशरमैन खींच रहा था मछली को अपनी तरफ और बड़ी मछली खींच रही थी दूसरी तरफ ताकि वो भाग सके। इस टसल में, इस लड़ाई में कोई भी किसी को भी मार सकता था, इसलिए फिशरमैन ने ये कहा। क्वेश्चन नंबर थर्ड। द ओल्ड मैन कॉल्स द फिश ब्रदर ऑन टू ओकेजन्स। वाई डज ही डू दिस। दो बार मछली को भाई कहा है फिशरमैन ने, ऐसा क्यों कहा है। द ओल्ड मैन कॉल्स द फिश ब्रदर ट्वाइस। Firstly, when they were pulling each other, and next time when he killed the fish, he admires the struggle fish undergoes to live. Fisherman ने भाई मछली को इसलिए कहा है क्योंकि मछली भी उसी की तरह स्ट्रगल कर रही थी जिंदा करने के लिए, जिंदा रहने के लिए, जैसे कि ये स्ट्रगल कर रहा था उसको मारने के लिए। पहली बार उसने उसको भाई बोला था जब वो एक दूसरे को खींच रहे थे और दूसरी बार उसने फिश को भाई तब बोला जब वो मछली को मार चुका था। लास्ट फॉर मी हेड, लास्ट फॉर मी, when does the old man say this and why? ओल्ड मैन ने ये कब कहा था। वैन द ओल्ड मैन वॉज ट्राइंग टू पुल द फिश टूवर्ड्स हिम एंड टर्न्स इट, ही सेड अबव लाइन्स ही वॉन्टेड अ क्लियर शॉट एट इज हार्ट एंड सो ही वॉन्टेड द फिश टू टर्न बट द फिश स्वैम अवे। वो सर की तरफ से मछली को नहीं मारना चाह रहा था, पेट की तरफ से मारना चाह रहा था, तो वो उससे ये कहता है, अपने आप से ये कह रहा है कि बस सर नहीं पेट चाहिए। तो जैसे ही वो उसके पास आ रही है उसको टर्न करने की कोशिश करता है। क्वेश्चन नंबर फाइव। वॉज द ओल्ड मैन सरप्राइज बाय द साइज ऑफ द फिश, हाउ डू यू नो। क्या उसको हैरानी हुई थी कि उसने इतनी लंबी मछली पकड़ ली। हाँ हुई थी। यस द ओल्ड मैन वॉज सरप्राइज बाय द लेंथ ऑफ द फिश। वेन द फिश स्वैम नियर हिज बोट ही सॉ इट एज अ डार्क शेडो एंड कुड नॉट बिलीव इट्स साइज। पहली बार जब मछली उसके चारों तरफ चक्कर काट रही थी तब उसने उसकी सिर्फ परछाई देखी थी और उसको विश्वास नहीं हुआ था कि इतनी लंबी मछली उसके कांटे में फंस गई है। क्वेश्चन नंबर सिक्स। What does the old man mean when he say he will have to do the slave work? Slave work, गुलामों वाला काम के बारे में fisherman ने क्यों कहा? The exciting part of killing the fish was over. Now a very tiring work of bringing the dead fish to the shore seemed very difficult for the old man. जो एक्साइटिंग पार्ट था मछली को मारने का वो तो ख़त्म हो चुका था, अब बस मेहनत का काम बचा था मछली को खींचते हुए किनारे पे लेके जाना। तो वो फिशरमैन को बहुत ही मुश्किल लग रहा था इसलिए उसने कहा कि ये गुलामों वाला काम है। लास्ट क्वेश्चन देखिए। यू मस्ट कीप योर हेड क्लियर। वाई डज द स्पीकर वॉन्ट द पर्सन हेड टू बी केप्ट क्लियर। स्पीकर ने ऐसा क्यों कहा था कि अपना दिमाग खाली रखो। In order to succeed in anything we do, firstly we should remove any confusion in our minds and keep our head clear. Then we should channel all our energies towards our goal in order to fulfill our wishes.
किसी भी चीज़ में कामयाब होने के लिए सबसे पहला काम यह है कि हमें अपने दिमाग से कन्फ्यूजन हटा देना चाहिए और सारी ताकत हमें अपने एनर्जी जो भी है हमें उस अपने गोल को अचीव करने में लगानी चाहिए ना। अगर हम लास्ट मोमेंट तक कन्फ्यूज रहेंगे कि ये भी है वो भी है तो हमारी ताकत बट जाती है दोनों ऑप्शन में। इसीलिए फिशरमैन ने कहा कि अपना दिमाग खाली रखो। बार बार वो सोच रहा था मरने के लिए जबकि उसको पूरी ताकत लगानी चाहिए थी मछली को मारने के लिए। सो दिस कम्प्लीट आर चैप्टर नंबर 7। थैंक यू क्लास।